हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक और मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक समझाने जा रहा हूँ जिससे आप किसी भी 3 डिजिट नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये एक पैटर्न के ऊपर बेस्ड होता है। अगर आपने इस पैटर्न को ठीक तरीके से समझ लिया तो आपको किसी भी 3 डिजिट या 4 डिजिट या 5 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे और इन नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं 2 ट्रिपल डिजिट नंबर लेता हूँ। मैं लेता हूँ 2, 3, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, 1, 2। अब मुझे इसका सम मतलब इसका मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालना है कि हम अगर 2, 3, 4 को 5, 1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या रिज़ल्ट आना चाहिए। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले हमें एक पैटर्न फॉलो करना है, जैसे कि ये 2 डिजिट ये जो नंबर्स हैं हमारे, ये 4 नंबर्स हैं हमारे पास। उससे पहले हमें सबसे पहले इसको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे 4 2 8, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8। फिर मेरे को इससे इसको मल्टीप्लाई करना है और इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि और इन दोनों का जो सम आएगा, जो इससे मल्टीप्लाई करके और इससे मल्टीप्लाई करके जो रिज़ल्ट आएगा वो आपस में ऐड करना है। ये देखिए कैसे। सबसे पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 × 3 = 6। फिर 4 × 1 = 4, रिज़ल्ट आया हमारे पास 10। अब मेरे को यहाँ पे वो वैल्यू यहाँ डालनी है, बट उससे पहले मैं वो वैल्यू यहाँ लिखूँ उसके बजाय मैं सिर्फ ये 10 का 0 यहाँ लिखता हूँ और 1 कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा रिज़ल्ट, ये देखिए। 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आता है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 आता है और 3 को 1 से करेंगे तो 3 आता है। इसका रिज़ल्ट आया हमारे पास 27। अब 27 और ये हमारा एक 1 नंबर कैरी फॉरवर्ड किया हुआ था हमने, यानी कि 28। तो हम यहाँ पे 8 लिखते हैं और जो हमारा 2 है वो हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। अब हमारे पास जैसे हमने इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया था पहले, सेम उसी प्रोसीजर से हम इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 और 5 को और 2 और 1 को, ठीक है। तो ये हम करके देखते हैं कि जब हम 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 2 और 3 और 5 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 15। इसका रिजल्ट आया हमारे पास 17 और ये 2 हमारे पास पहले से कैरी फॉरवर्डेड है, तो यहाँ पे 2 ऐड करते हैं यानी कि 19। अब हमारा यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 9 और 1 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और जैसे हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में इन 2 डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई किया था, उसी तरीके से हम लास्ट में इन 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, 5 × 10 प्लस ये नंबर हमारे पास यानी कि 11। तो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आया, ये यानी कि 119808, ये हमारे पास रिज़ल्ट आया। इसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए हमें कौन सा पैटर्न फॉलो करना है, पैटर्न समझ में आया आप लोगों को, ये देखिए। जैसे हमारे पास ये नंबर्स हैं 1, 2, 3, ये एक नंबर का 3 डिजिट के एक नंबर हुए, 1, 2, 3, ये 3 डिजिट के 2। अब हमें क्या पैटर्न फॉलो करना है, हमें सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर हमें इन 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और जो नंबर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके आएंगे उनको आपस में ऐड कर देना है। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना और इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना, फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई करना और जो नंबर ये तीन इससे इस मतलब इन तीनों से हमें एक नंबर मिलेंगे उन तीनों को आपस में ऐड करना। फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारा इन 2 नंबर्स को ऐड मल्टीप्लाई करना
और इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना और आपस में ऐड कर देना और लास्ट में इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। सिंपल सा पैटर्न है हमारा, हम स्टेप वाइज चलेंगे, नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 स्टेप्स हैं हमारे। तो मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे ये पैटर्न बिल्कुल क्लियर होगा। ये देखिए, मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ, वन फाइव सेवन मल्टीप्लाइड बाई 962। अब मेरे को ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। अब मेरे को सबसे पहले पैटर्न फॉलो क्या करना है, ये वाला। तो मैं 7 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका रिज़ल्ट क्या आता है हमारे पास, 14 का 4 मैंने यहाँ लिख दिया, 1 में कैरी कर लेता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट पैटर्न क्या है हमारा, इन चार नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, यानी कि 7 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास आएगा 42 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास आता है 10, यानी कि इसका रिज़ल्ट क्या आया, 52 और ये 1 हमारे पास पहले से है तो हम इसको लिखेंगे 53 आया हमारे पास। यहाँ पे हम 3 लिखते हैं और 5 को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब नेक्स्ट पैटर्न है हमारा, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर और ये वाला नंबर प्लस ये और ये, तो आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 9 × 7 = 63, देन 1 × 2 = 2 प्लस 5 × 6 यानी कि 30। अब क्या आया हमारे पास, 95 प्लस जो हमारे पास 5 पहले से कैरी फॉरवर्ड है वो हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एंड रिजल्ट आता है 100। अब हमारे पास यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, सिर्फ 0 मेंशन करेंगे और 10 को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब हमारे पास क्या स्टेप है, ये चार नंबर्स हैं हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो क्या करते हैं हम, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 45 प्लस 6 को 1 से करेंगे तो यानी कि 51। अब ये 10 हमारे पास पहले से कैरी फॉरवर्डेड है तो यहाँ पे आएगा हमारा 10 ऐड करेंगे तो आएगा 61। अब हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और 6 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, लास्ट स्टेप है हमारा इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना, यानी कि 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 9 प्लस ये 6 यानी कि 15। अब हमारा एंड रिज़ल्ट क्या आया, हमारा आंसर क्या है, 151034, ये हमारा आंसर है। तो आपने पैटर्न को, सिंपल पैटर्न को फॉलो करना है, हमने 5 स्टेप्स हैं हमारे, उसके थ्रू हम इस सॉल्यूशन पे पहुंच सकते हैं। एक और एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं ताकि हमारा जो ये पूरा प्रोसेस है, ये जो हमारा पैटर्न है वो हम क्लियरली समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं हम और इस पैटर्न का हमने खास ध्यान रखना है। अब देखिए, 2, 4, 6 मल्टीप्लाई बाई 4, 2, 1। अब हमें इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हमारा क्या पैटर्न था, इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना, यानी कि 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। फिर इन चार नंबर्स को, यानी कि 6 × 2 = 12 एंड देन 4 × 1 = 4, यानी कि जब इसको आपस में ऐड करेंगे हम दोनों नंबरों को तो हमारे पास 12 + 4 = 16 का 6 कैरी 1, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रोसेस हमारा ये दो नंबर्स, ये दो और ये दो, तो 6 × 4 = 24, 2 × 1 = 2 और 4 × 2 = 8, यानी कि ये हो गया हमारे पास 4, 34 और ये हमारा पहले से कैरी फॉरवर्ड था, ये वन नंबर, तो हमारे पास आ गया, तो हमारे पास टोटल नंबर आ गए 35।
अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस 35 आ गया, अब हमें यहाँ पे लिखना है 5 और 3 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये चार नंबर सेम जैसे हमने ये चार नंबर यहाँ किए थे, 4 4 जा 16 और 2 2 जा 4 ये हो गया 20 और ये 3 हमारा पहले से कैरी फॉरवर्डेड है यानी कि 23। तो 23 का हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, सिर्फ 3 और 2 हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब लास्ट प्रोसेस क्या है, हमारा लास्ट स्टेप क्या है, इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना यानी कि 4 2 जा 8 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10। तो हमारा रिजल्ट क्या है, ये वाला 103566, ये हमारा इन दोनों नंबर्स का सम है यानी कि इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके ये आंसर आता है हमारा। देखा आपने किस तरीके से हम इजी वे में 3 डिजिट नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फटाफट उनके रिजल्ट्स हम निकाल सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको 4 डिजिट और 5 डिजिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करना भी सिखाऊंगा। उसके लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए।